बोड़ो के कृषि उत्पादन बाजार समिति में चल रहा मतगणना कार्य मंगलवार को पहले दिन 8 बजे रात को समाप्त हुआ। बताया गया कि मतगणना कार्य 20 जून तक जारी रहेगा। यहां मतगणना कार्य की रफ्तार सुबह से ही बेहद धीमी थी। बताया गया कि सदर प्रखंड के साथ गांडे और जमुआ के प्रत्याशी लगातार इंतजार करते रह गए, जबकि मतगणना का कार्य तय वक्त सुबह 8 बजे से ही शुरू हुआ था। इसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा पहले राउंड की आधिकारिक सूचना 2:30 बजे के करीब दी गई, वो भी महज सिर्फ 2 मुखिया प्रत्याशी। गिरिडीह के सदर प्रखंड के पहाड़पुर से मुनि हेम्ब्रम को मुखिया घोषित किया गया। आधिकारिक सूचना के अनुसार पहाड़पुर से मुनि हेम्ब्रम को जहां 1424 मत मिले, तो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी उर्मिला हंसदा को 836 मत हासिल हुए। इस प्रकार मुनि हेम्ब्रम ने अब 588 वोट से मुखिया पद पर चुनाव जीत लिया। इधर सिंधवारिया पंचायत से रामेश्वर महतो, लिदा पंचायत से शोभा देवी निर्वाचित हुई, तो गांडे प्रखंड के बड़कीटार से रुखसाना को 1258 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सोनी कुमारी को 713 मत हासिल हुए। इस प्रकार रुखसाना 545 वोट से मुखिया निर्वाचित हुई। वहीं झरकटा पंचायत से रानी कुमारी निर्वाचित हुई। जमुआ प्रखंड के परिहारी पंचायत से संजय यादव, चुगलखार पंचायत से प्रभाकर यादव निर्वाचित हुए। मतगणना कार्य की धीमी रफ्तार की वजह से मतगणना कर्मी भी बेहद परेशान दिखे। कुल मिलाकर भीषण गर्मी के बीच खूब जद्दोजहद के साथ पहले दिन का मतगणना कार्य संपन्न कराया गया। बताया गया कि बुधवार सुबह 8 बजे से फिर मतगणना कार्य प्रारंभ होगा।